extraordinary journey of courage, love and righteousness. Scene 1. Ram and Sita are seen happily conversing while Lakshman stands guard. अयोध्या के खूबसूरत राज्य में रहते थे श्री राम, उनकी प्रिय पत्नी सीता और आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण। सौतेली माँ कैकेयी के कहने पे उनके पिता राजा दशरथ उनको 14 साल जंगल में वनवास पे भेज देते हैं। पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भाई भी उनके साथ वनवास पे निकल जाते हैं। सीन 2। वो तीनों जंगल में एक कुटिया में जाकर रहने लगते हैं। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण जंगल में काम कर रहे थे, तब रावण की बहन सुर्पनखा श्री राम के पास आ जाती है और कहती है, मैं आपको पसंद करती हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, यहाँ से चली जा। पर वो लक्ष्मण के पास जाती है और उसे सुनाने लगती है और कहती है कि सीता में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं, मैं सीता को मार दूंगी, तब राम मेरा हो जाएगा। फिर वो सीता के पास माने पहुंच जाती है। ये देखकर गुस्से में आकर लक्ष्मण उसकी नाक कटवा देता है। सुर्पनखा रोते हुए भाग जाती है। सीन 3। सुर्पनखा रोते हुए जाकर ये बात अपने भाई रावण को बता देती है। रावण सोच लेता है कि अब बदला लेने के लिए वो सीता का अपहरण करेगा। सीन 4। श्री राम, सीता, लक्ष्मण अपनी कुटिया के बाहर बातें करते हुए शिकार करने उसके पीछे चले जाते हैं। लक्ष्मण को उसे उस ओर से कुछ आवाज आता है, तब वो भाई राम के पीछे जाने के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले लक्ष्मण घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है और सीता से कहते हैं जब तक तो वो वापस नहीं आता, सीता उस रेखा के बाहर ना आए। उसी वक्त रावण एक बुरा आदमी का भेष लेकर सीता से भिक्षा मांगने आ जाता है। सीता उस रेखा को पार करती है, रावण अपने भेष में आकर सीता का अपहरण कर लेता है। रास्ते में उसे जटायु देख लेता है और सीता को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर रावण उसके पंख काटकर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है और सीता को अपनी
लगवा लेकर जाता है। जटायु उस हालत में भी जाकर श्री राम तक ये बात पहुंचा देता है कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है। राम और लक्ष्मण सीता को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। सीन 5। हनुमान एंटर्स द स्टेज। राम और लक्ष्मण को रास्ते में हनुमान मिल जाते हैं, जो राम के बहुत बड़े भक्त होते हैं। हनुमान राम से कहते हैं कि वो उनकी बंदरों और भालू की सेना के साथ मिलकर सीता को वापस लेने में मदद करेंगे। सारी सेना को खत्म करने के बाद रावण से लड़ने राम पहुंच जाते हैं। रावण से लड़ने के लिए बहुत कोशिश के बाद भी रावण को कुछ नहीं होता और पर उसकी भाई विभीषण के बताने पर राम के नबी में बाण मारा जाता है और रावण वही मर जाता है। सीता को वहां से लेकर अपना वनवास पूरा होने पर श्री राम सीता और लक्ष्मण अपने राज्य अयोध्या लौट जाते हैं। उनकी आने की खुशी में राज्य के सभी लोग अयोध्या को दियों और फूलों की खुशी में से सजाने लगते हैं। रघुवन 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 रघु
करने की जगह देखने था।